नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पहला पॉजिटिव मरीज प्रदेश में अपनी कौम का खाता खोलकर 25 साल की उम्र में चल बसा। इसका जिक्र यहां इसलिए भी आवश्यक है कि इस वायरस से देश में यह सबसे कम आयु में मृत्यु का मामला है। यह युवक कुछ समय पहले ही खाड़ी देश से लौटा था। बड़ी बात यह है कि इसके जनाजे में उड़ी भीड़ इस प्रसाद की हकदार बन गई है, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, पर अपनी गंवार प्रवृत्ति के कारण यह कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं, जिससे इनके सगे संबंधियों में भी इस प्रसाद के हस्तांतरण की संभावना बढ़ गई है। बहुसंख्यक वर्ग काफी हद तक खुद को सुरक्षित कर चुका है, मगर ये लोग देश में आंकड़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज से भागे कुरान बम उत्तर प्रदेश में एंट्री ले चुके हैं। इनकी तादाद 157 है, जो 19 जिलों में भोकाल बने घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में इनकी घुसपैठ हो चुकी है। खास बात यही है कि फिलहाल यह तेमंदबाजों के लिए ही ज्यादा खतरा है, यानी जो सेकुलर इनके संपर्क में आएगा उसकी धर्मनिरपेक्षता 4 कंधों पर 5 लोगों के साथ निकल सकती है। देश में 2100 के लगभग संक्रमित मरीज हो चुके हैं। 56 लोगों की इस वायरस से मृत्यु हुई है। बड़ी बात यह है कि 42 लोग इसी अल्लाह के ईमान वाले हैं। इनकी हरकतों को देखते हुए आने वाले वक्त में यह सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि यह जिन और 70 फरिश्तों की जंग नहीं है। शायद ऐसे लोगों की बुद्धि देखकर ही कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था। दिल्ली से निकले तैमन छाप यूपी के चारों कोनों में पहुंच चुके हैं। हमारे पास इन जमातियों के कॉन्टेक्ट नंबर सहित पूरी सूची है। इनमें सबसे ज्यादा तादाद मुजफ्फरनगर में है। इस जिले में 28 तैमनबाज कुरान बम बने घूम रहे हैं। बागपत, शामली, मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद एक दूसरे से लगते जनपद हैं, जो दिल्ली से काफी नजदीक भी हैं, जहां ये बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। सहारनपुर में 6, बागपत में 4, मेरठ में 11, शामली में 5, मुजफ्फरनगर में 28, गाजियाबाद में 6 जियादी छुपे बैठे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके अलावा बहराइच में 1, गोंडा में 2, बलरामपुर में 1, इलाहाबाद में 11, भदोई में 1, लखनऊ में 20, बिजनौर में 20, आगरा में 3, वाराणसी में 10, सीतापुर में 6, हापुड़ में 2, बाराबंकी में 16 और मथुरा में 1 ज्यादा छुपा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल 152 संक्रमित मामले हैं। बड़ी बात यह है कि देश में 7881 जमाती निजामुद्दीन मरकज से देश भर में फैल चुके हैं। इनका मुखिया मौलाना मोहम्मद साद भी लापता चल रहा है। अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से आई सूचना के अनुसार 73 जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। देश की 10 जगहों को सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। इन स्थानों से संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें दिल्ली पहले नंबर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र की 2-2 जगह और गुजरात व राजस्थान की 1-1 जगह है। खास बात यह है कि दिल्ली का मुस्लिम बाहुल्य दिलसाद गार्डन और निजामुद्दीन सबसे ऊपर है। यहाँ सऊदी और देश से आए मुल्लाओं ने स्थिति चिंताजनक बना दी है। सबसे ज्यादा जोखिम उन लोगों को है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के ज्यादा नजदीक है या फिर इनके संपर्क में है। इनकी धर्मांता और टोपी बुद्धि के कारण ऐसे लोग संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इन लोगों ने पुलिस से बचाने के लिए बहुत से तैमंदबाजों को घरों, मस्जिद और मदरसों में शरण दे रखी है, जिससे इन इलाकों में वायरस के मामले बहुत तेजी से फैलने का जोखिम पैदा हो गया है। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। जागरूकता की कमी और मजहबी मानसिकता के चलते यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल सकता है। यदि यह तबका इसी तरह रोग के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाता रहा और खुद को छिपा कर रखे रहे तो यहाँ भारी तादाद में मौतें हो सकती है, जिसके बाद इस संक्रमण से लड़ना सरकार के लिए एक चुनौती बन जाएगा। सरकार के लिए चिंता की बात यही है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से यह रोग अपना दायरा बदल सकता है। इसलिए प्रशासन को सख्त आदेश है कि लोगों को घरों में रहने का कड़ाई से पालन कराया जाए। खासतौर से यह बहुसंख्यक तबके के लिए भी एक तरह से चेतावनी है कि मजहबी और जिहादी तत्वों के संपर्क में आने से बचने की कोशिश करें, खरीदारी करने में सावधानी बरतें, अपने मोहल्लों में इनको प्रवेश नहीं करने दें और जहां तक हो सके कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि यह तैमन छाप इसे जिहाद का रूप देने की कहीं ना कहीं मानसिकता पाल बैठे हैं। ऐसे तत्व सड़क पर थूक कर इस संक्रमण को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं।
इसलिए एक बड़ी आबादी का सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।